गाइस कल ईद है, इसके लिए हमारी गाड़ी धो रहे हैं हम लोग। कल सबसे मिलने जाना है। तैयार हो गए? तेरी रेडी हो? रेडी है। अच्छा तो तेरी निकलते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं और समीर भाई ख्वाजाजाना पर ईद की नमाज़ पढ़ने आए हैं। मौसम नहीं आया इस बार। गाइस एक चोर ने यहाँ पर 25,000 का मोबाइल चोरी करा है, वो फाइनली पकड़ा गया। उसको यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मारे अभी, और ऐसी भीड़ भाड़ में अपने मोबाइल का ध्यान रखे, ऐसी चोरियाँ होती रहती है यहाँ पर। ऐसी भीड़ भाड़ का चोर मौका देखते हैं कि कब चोरी करेगा कब क्या। गाइस मोहसिन अभी तक के उठा नहीं है, हम लोग उसके घर पे उसको उठाने आए हैं। देखो अभी आएगा आलसी कहीं का। यह आया आलसी कहीं का। ए आलसी इधर आ, ओए इधर आ तू। आ तो इधर आ, बंद कर दिया, ओए बंद कर दिया। बहुत टाइम हो चुका है, ये अभी तक क्या कर रहा था ये आलसी कहीं का? एक नंबर का आलसी आलसी है तो चल जा। उसको 10 मिस कॉल मारा गाइस मैंने, सुबह से 10 मिस कॉल मारा, देख लेना मैं बता दूंगा स्क्रीनशॉट आपको। इधर हमारे यहाँ पे 7 बजे की जमात थी, इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ लिया। ये लोग गए वहाँ पे दरगाह पे खाया जाना, वहाँ पे क्या थोड़ा टाइम होता है, 8-8:30 बजे की जमात रहती है, इसलिए तो ये आलसी हुआ ना। वो तो क्या है, मैंने अभी ये कपड़े छुप रहे थे इसलिए चेंज कर लिया था। देखिए आज गाइस हम ट्विन्स बन चुके हैं, हम दोनों ने सेम सेम कलर के कपड़े पहने हुए हैं। और समीर भाई भी, और समीर भाई भी आया। हमने तो खाया जा रहा था, सुबह सुबह देखो मिस कॉल मारा तो इधर इधर ही पड़ गया था। हम लोग खाया जाना गए वहाँ पे पौने 8 की जमात थी, और तू नसीब वाला कि सबसे पहले हम तेरे पहले से ईद मिल रहे हैं। बहुत नसीब है तुझे, नसीब लाए। तू तो आलसी नहीं निकला, तो आलसी होंगे सरदारी के घर मिलते हैं। चल पहले शेर गंगा वगैरह पीते फिर निकल रहे। अच्छा चलो 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 फटाफट जाना है, बहुत जगह ईद मिलने जाना है। और ये देखिए शेर खुरमा सबसे पहले मोहसिन के घर का पी रहा हो। तो आज का दिन पूरा बिजी रहने वाला है, इस सिचुएशन में भी हम लोग व्लॉग शूट कर रहे हैं। हमारे समीर भाई, मुबारक समीर भाई, जब हम गिर गए थे जब समीर भाई भी आए थे। बहुत ज़्यादा अगली ट्रिप मेरे ख्याल से अपने को है ना रणथंभौर टाइगर सफारी की लेना चाहिए। तो बहुत दिनों बाद आज मैं ईद मिलने आया हूँ अपने दोस्त गोली से। तो देखिए ये मेरा दोस्त मोहसिन भाई, दोस्तों ईद मुबारक। तो अरे उसको आए तो बोलने दे। हाँ बोल, अब बोल। ईद मुबारक आप सबको, और हमारी तरफ से आपका ईद का दिन सबसे अच्छा जाए। बस हो गया मोहसिन ने बोल। गाइस इस वक्त मैं बेस्तान आवास में आया हूँ मेरे भाई के स्टूडियो में, और ये मेरे भाई है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो ये एक्चुअली मेरे बड़े पापा के सबसे छोटे लड़के, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया मेरे बड़े पापा के छोटे लड़के, और अब मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ उनके बड़े लड़के से। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कुछ कहना चाहोगे आप सब्सक्राइबर को? बस सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। ओ गाइस ये मेरे बड़े पापा हैं। ईद मुबारक बड़े पापा। ईद मुबारक। मेरे बड़े पापा बहुत ही प्रोफेशनल इलेक्ट्रिक मैन है, जो कि अनुभवी है, बहुत ही जूने इलेक्ट्रिक की इनको बहुत जानकारी है। तो गाइस ईद का दिन ख़त्म हो चुका है, और हम लोग अभी जा रहे हैं मूवी देखने, बड़े मियाँ छोटे मियाँ करके मूवी, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की। तो अयूब भाई आ चुके हैं। अयूब भाई ईद मुबारक। जा रहे हैं मूवी देखने। दिल से सुलझा
दिमाग से शैतान है अंदर। बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। गाइस मूवी का भी इंटरवल हुआ है और हम लोग बाहर आए हैं थोड़ा फ्रेश होने। ये मैं अपने दोस्तों का ओपिनियन ले रहा हूँ कि कैसी लगी अभी इंटरवल तक उनकी, उनको ये मूवी कैसी लगी। अरे माइक है, ठंडा माइक है, एक्शन है मूवी को और टाइगर सर की इतनी अच्छी लगी मुझे। बाकी तो हमारे मुस्लिम भाई से पूछो, माइक 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 में बोलिए, माइक शांति पता है मुझे। ओके ओके बस वही जो ये बने वाले एक्शन है अभी तक, बाकी आगे देखते हैं। स्टोरी तो इतनी खास लगी नहीं, वही सेम ही थी स्टोरी सब जो आती है। डायलॉग वगैरह इतने खास नहीं है, डायलॉग थोड़ा इतना खास, एक्शन वगैरह बस देखते हैं। समीर भाई को नहीं अरे कुछ तो बोलो, पिक्चर कैसी लगी, कुछ जज्बात वज्बात निकालो तुम्हारे। पिक्चर विक्चर तो दिखे अभी, आगे देखते क्या 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 मालूम पड़े। तो अभी तक की कैसी लगी वो पूछो, आगे तो मालूम क्या बनेगा वो पता नहीं। मतलब पूरी एक साथ तुम एक साथ रिव्यू दो। गाइस पिक्चर छूट चुकी है और हम लोग बाहर आ चुके हैं, तो मैं अपना रिव्यू पहले बयान कर देता हूँ, फिर सब भाइयों का रिव्यू लेता हूँ कि उनको कैसे। जो लोग वीडियो गेम खेलते हैं ये पिक्चर देखने के बाद उनको पता चल जाएगा कि अंदर कौन से वीडियो गेम से कॉपी किया हुआ है सीन। लोगों को वीडियो गेमर हो तो आपको पता चल जाएगा, बाकी जो नॉर्मल पब्लिक है उसको कुछ पता नहीं चलेगा, उसको ऐसा ही लगेगा कि कुछ नया कंटेंट क्रिएट करे इन्होंने। अयूब भाई बताओ कैसा लगे पिक्चर तुम्हारा। मूवी तो अच्छी है, पर जो एक्शन मूवी पसंद करते हैं ना उनके लिए बेस्ट है। पूरी मूवी के अंदर एक्शन और फाइटिंग है, इमोशनल और ड्रामा कुछ नहीं है ये मूवी में, और लव वाले इधर ना आए। ये बात भी सही है। और मोहसिन तेरे को कैसी लगी। वही सेम ही जैसा पठान देखा हुआ है, टाइगर देखा हुआ है, वही सेम ही कंटेंट है। अच्छा ये बस सेम, कुछ नवा नहीं मिलेगा, मतलब कुछ नहीं है, स्टोरी वगैरह में कोई दम नहीं है, सब वही एक्शन ये मिशन वगैरह बस वही वही, बाकी कुछ नया नहीं है। समीर भाई आपको कैसी लगी। गेम और मतलब पिक्चर की कॉपी मारी हुई है, जो सिंपल जो मतलब पिक्चर बनती है उस टाइप की। कौन सी पिक्चर की कॉपी मारी, कौन सी गेम की कॉपी मारी, आपको कुछ पता है। लगता है अपने दिखाया था टाइम ने पबजी की कॉपी मारी है और टाइगर की कॉपी मारी है। हाँ पबजी की कॉपी तो बिल्कुल मारी है दोस्तों। मैं बता दूँ कि पबजी के अंदर क्या कॉपी किया हुआ है, जो विलन का आउटफिट है ना वो टोटली पबजी का था, और विलन के जो मास्क है वो सब ऑलरेडी। आप अगर पबजी लवर हो, पबजी खेलते हो तो आपको पता ही चल जाएगा। अच्छा तो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में, चलो आप बात निकली है तो बता ही देता हूँ कौन सी गेम मेरे को लगी। सबसे पहले तो वो जो चाइना के अंदर एक सीन आया था उसमें स्लीपिंग डॉग का पूरा एरिया, जो स्लीपिंग डॉग में चाइना बताया गया था जो हिसाब से, उस हिसाब से पूरा एरिया कवर किया हुआ है। टोटल असासिन क्रीड मिराज जो कि अभी लेटेस्ट असासिन की गेम है, और अंदर जैसा मिशन था मतलब कुछ कुछ मिशन की पूरी कॉपी बैटरी कॉपी उतार दी थी अंदर। कार जो ब्लास्ट होती है जिसका VFX सेम GTA 5 जैसा है, अगर आप GTA 5 और इसको अपने बड़े मियाँ छोटे मियाँ को दोनों को साथ में रख के कार ब्लास्ट का सीन देखोगे तो आपको सेम दिखेगा अंदर। तो बस यही थी कि अब बॉलीवुड कुछ नवा कंटेंट तो ला नहीं रहा है, पिक्चर का नाम उठाया गया है। हाँ तो ये समीर भाई जो कह रहे हैं छोटे मियाँ बड़े मियाँ का नाम उठाया है, तो ये भी कॉपी किया है। सबसे बड़ा तो तुमने, सबसे बड़ा ये नाम ही ऊपर हो, तुमने ढूंढा सबसे पहले मतलब सबसे पहले हमने तो ध्यान ही नहीं, अपना ध्यान ही नहीं अपने किसी ने अपना गली मूवी के अंदर, बाकी नाम जो जरूरी चीज है वो भी समीर भाई ने ढूंढ लिया। सबसे बड़ा जो कॉपी किया हुआ है छोटे मियाँ बड़े मियाँ वो समीर भाई ने ढूंढ लिया, मतलब अच्छी पिक्चर में उन्होंने कुछ इमेजिन नहीं किया, खाली नाम पे फोकस किया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस ये देखिए हमारे दुश्मन हमारे वीडियो को खराब करने वाले कुत्ते, और हमें भी भूख रहे हैं, पसंद नहीं आई तो बुराई मत करो, जाओ यहाँ से निकलो। हमारे रतन टॉक हमारे रतन टॉकीज में ऐसी ही मूवी लगती है, जाओ यहाँ से। कुत्तों को अपन पसंद नहीं है, बुराया मत करो यहाँ खड़े रह के। ये टॉफी जुड़ी है, यहाँ पे खाना मिलता पॉपकॉर्न वगैरह जो बचता है वो इनको दिखिला। बरोबर ये बात भी सही है, कुत्तों को अपन पसंद नहीं है। हाँ कुत्तों को अपन पसंद नहीं, गाड़ी तुम्हारी अजय देवगन की मूवी लगे थी। एक्चुअली देखा जाए तो लॉजिकली पिक्चर देखने में अब मजा रह गया है, बाकी एक्शन लव स्टोरी देखने में बॉलीवुड में कुछ मजा नहीं रहा है। तो अगर आपको मूवीज़ अच्छी लगती है तो अजय देवगन की देखा करो, क्योंकि मैं पर्सनली उसका फ़ैन हो चुका हूँ दो तीन मूवी देख के। तो इसके लिए अजय देवगन, तुम लोग यहाँ पे कितने लोग अजय देवगन के फ़ैन हैं। अजय
अजय देवगन का फैन तो नहीं हूँ मैं, बट उसकी मूवी देखने में मजा आ रहा है। एक फिल्म थी शैतान नाम की, वो भी अच्छी थी। शैतान तुमसे बड़ा शैतान हो सकता है क्या? अच्छी फिल्म थी। अपन तो यार देखने आए थे ना। तुमको कौन सी दिल जाली अच्छी लगती है अजय देवगन? कौन सी तो कौन सी तेरे को कौन सी अच्छी लगती है? दृश्यम वन या टू? सबसे बेस्ट दृश्यम वन और टू। दोनों ये मूवी के बाद मैं अजय देवगन का फैन हो चुका हूँ। मूवी बहुत अच्छी लगी थी अजय देवगन। काल वो तो बचपन में थी अपने। वो तो बचपन में थी। नहीं वो मुझे अच्छी लगी थी जब तो तू छोटा सा था। सोने पिक्चर मतलब सबसे ज्यादा उठ के मतलब आया था अजय देवगन ने रीमेक किया। सोने में अजय देवगन नहीं, अजय देवगन की बात करे मेरे को लगा रीमेक किया होगा उसने। अजय देवगन की कौन सी मूवी आ रही है तो बोलो। अजय देवगन के मतलब अभी जो फिल्म आ रही है ना उसमें शैतान और दृश्यम ये दोनों मूवी देखने लायक है। मतलब ये दोनों मूवी के अलावा अभी कोई मतलब इतनी खास नहीं बना रहा तो अभी हम लोगों को। ओ हाँ पुष्पा, अपना पुष्पा वो अभी आप उसको क्यों मिस कर रहे हो? वो भी इतनी अच्छी। भाभी नहीं बोला, भाव बोला भाई। अरे वो हमारे सामने रहती थी पुष्पा भाभी, उसके लिए निकल गया हूँ। पुष्पा भाव नहीं भाई, पुष्पा हाँ पुष्पा भाव सॉरी। इस साल आ जाएगा शायद। इस साल देखा था टीजर आया ना? टीजर आ गया, डेट दिया कुछ? हाँ डेट दिया, दो तीन महीना। तो ठीक है, बस पुष्पा ने ऐसी दृश्यम जैसी मूवी देखने जाएगी, बाकी तो अब ऐसी मूवी नहीं देखी। एक्शन मूवी पसंद है इसलिए, एक्शन मूवी के लिए बेस्ट है। एक्शन मूवी इनको पसंद है लग रहा है कुछ एक्शन। इनको तो कव्वाल बन जाना चाहिए। ऐसे करना पड़ेगा, मुझे कव्वाल बन ही जाना पड़ेगा। हाँ तो कल ढोल वोल होएगा तो दे दे कहीं से भी, किसी की मैयत में से लाके ढोल दे दे। ढोल वो ढोल लाओ बोलता है किसका भी ढोल बच्चा को वहाँ से लेके आते मैयत में से शादी में। तो चलो गाइस बहुत हो चुकी है मस्ती और अब फाइनली हम जा रहे हैं अपने घर। रात के 12:30 बजने जैसे हो गए, अब जाइए और फिर सो जाएंगे क्योंकि आज दिन भर से सब थके हुए थे इसके लिए। चलिए।